हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट वन हम लोग आज देखेंगे। यानी ऐसे 500 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आने वाले समय में कराने वाला हूं, जो एग्जाम्स में जिनकी संभावना आने की बहुत ज्यादा होती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे ये क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैं 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, जो ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चंस के आने की संभावना दोगुनी होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन को मैं जल्दी से जल्दी कराऊं, तो आप लोगों को भी कुछ मेरी हेल्प करनी होगी। क्या करना होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और सेशन को लाइक भी करना होगा। चलिए आ जाते हैं 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पार्ट वन पर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर वन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पेंडिंग द किड्स। देखिए स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जो है वो चाइल्ड केयर वाला जो अपना टॉपिक है उस पर क्वेश्चंस बढ़ा रहा है, चाइल्ड एंड एल्डरली केयर्स पे। ठीक, स्पेंडिंग द किड किताब किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है। इन विच, अब ये भी देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, इन विच ही डिस्क्राइब्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर पीपल इन वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न सोसाइटी स्पेंडिंग देयर मनी ऑन देयर सेल्फ लाइक ट्रेवल, कार, प्रॉपर्टी, इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस जेनरेशन हु टेंडेड टू लीव दैट मनी टू देयर चिल्ड्रंस। भारत में यह आज भी होता है, पेरेंट्स जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप में भी ये चीज होती थी, लेकिन यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में आज बहुत चेंज देखा जा रहा है, इस एटीट्यूड में बहुत बिहेवियरल चेंज आया है। ठीक है, किसने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या चेंज आया है, ये चेंज आया है कि लोग अब जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते हैं। स्पेंडिंग द किड्स पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें उन्होंने पिछली पीढ़ियों के बारे में बताया है कि पिछली पीढ़ी और आज की पीढ़ी में क्या बदलाव आए हैं। तो जनरेशन गैप भी आपको पढ़ना है और ये जनरेशन गैप का ही सवाल समझिए इसे। पिछली पीढ़ियां जो होती थी वो पैसे का को खर्च नहीं करती थी, बचा के रखती थी अपने आने वाली जनरेशन के लिए और दे करके जाती थी अपने बच्चों को। आज की पीढ़ी वेस्टर्न में ऐसी हो गई है जो अपने बच्चों को पैसा नहीं दे करके जाती है। तो ये किसने लिखी है ये किताब और किसने कहा है, ये स्पेंडिंग द किड्स बुक है एनी हली की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया, कुछ लोगों को छोड़ करके। एनी हल्ली की ये किताब है, याद रखिएगा। और निधि बेटा आप थोड़ा रिवाइज कर लो यार। क्वेश्चन नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सब्सटेंशिएट फाइंडिंग्स ऑफ लैम्बर्ट स्टडी, ये पूछा हुआ सवाल है और फिर से पूछ सकता है, ऑफ द इंडियन फैक्ट्री। लैम्बर्ट ने स्टडी किया था इंडियन फैक्ट्री का। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट लैम्बर्ट ने जो भारतीय कारखाने का अध्ययन किया था उसके निष्कर्ष की पुष्टि करता है। लैम्बर्ट ने क्या स्टडी किया था बताइए। देखिए, एक बात तो आपको यहां पर यह समझ में आ गई कि लैम्बर्ट ने इंडियन फैक्ट्रीज की स्टडी की है, तो एक सवाल यहीं से बन जाता है। ठीक, अब एक यूनिक बात है इंडियन फैक्ट्री सिस्टम में। ठीक है, अब देखिएगा कि कभी भी मान लीजिए पोक से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, मीट से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, मीट इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उसमें कभी हमारे यहां का कोई ब्राह्मण काम नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, आप बताइए। कोई बड़ा सा ऐसा तिलक लगाया हुआ है और कोई बकरा काट रहा है, ऐसा आपने देखा है कभी बकरे के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो, काट रहा हो, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने, लैम्बर्ट ने देखा
कि इंडियन फैक्ट्री में सोशल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्री मेंटेन्स मेनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हम लोग जो भी कार्य करते हैं अपने पारंपरिक सामाजिक संरचना के, अपने नॉर्म्स पे, अपने वैल्यूज के, अपने कस्टम्स के आधार पे काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु सेड दैट कुलारिंग इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गिफ्ट एंड सेरेमनी एक्सचेंज। देखिए, ये भी आप कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस इतना कॉमन होता नहीं है वैसे। किसने कहा था कि अंगूठी उपहार, कहां है अंगूठी, कुलारिंग, ये एक्चुअली सर्किल है, रिंग का मतलब यहां पे सर्किल है। ठीक, कुलरिंग उपहार और वस्तु के विनिमय के बीच भेद का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन प्रस्तुत करते हैं बताइए। ना 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 ना, बहुत कम स्टूडेंट्स के आंसर सही आ रहे हैं। देखो राफिया यार, और सब लोग मतलब समझ लो एक बात कि जरूरी नहीं है कि कुला आ गया तो समझ लो आप मेलिनोस्की ही करके आ जाओगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज सिस्टम की बात हो रही है और खास तौर से गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम की बात हो रही है। गिफ्ट और कमोडिटी के बीच में डिफरेंस समझाया जा रहा है। द गिफ्ट किसकी किताब है, द गिफ्ट किसकी किताब है, मार्सेल एम मॉस की। ठीक है, तो इन्होंने गिफ्ट के बारे में बताया है, गिफ्ट एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के बीच में डिफरेंशिएशन किया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन रिलेशन टू सेरेमोनियल एक्सचेंज एग्जिस्टेड वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में मौजूद औपचारिक आदान प्रदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। पढ़िए, बताइए, पोटलक सेरेमनी क्या नेटिव अमेरिकन्स के बीच में होती है जो वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे रहते हैं। कोहा, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा है। कोहा भी एक प्रजाति है जो एक्सचेंज सिस्टम करती है, माओरी एक प्रजाति है, उसके एक्सचेंज सिस्टम को कोहा कहा जाता है, याद रखना। मोका, अ सिमिलर प्रैक्टिस इन माउंट हेजन एरिया ऑफ पापुआ न्यू गिनी। जिस तरह से पोटलाक सेरेमनी होती है, इसी तरह के कोहा सेरेमनी होती है माओरी में, इसी तरह की मोका सेरेमनी होती है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, और कुलरिंग ऑफ एक्सचेंज जो है वो पैसिफिक कोस्ट पे होता है, ना कि मैक्सिको के कोस्ट पे। ठीक है, याद रखना, अमेरिका कोस्ट पे होता है, नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे होता है, जबकि मैक्सिको जो है वो साउथ अमेरिका के कोस्ट पे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, वही नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आना चाहिए, पैसिफिक भी होता, प्रशांत महासागर भी होता तो भी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाइए कंप्यूटर जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन स्टीवर्ड कॉइंड द टर्म कल्चरल इकोलॉजी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मानव विज्ञानी जूलियन स्टीवर्ड, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को जूलियन स्टीवर्ड के बारे में पढ़ाया है, इनने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था, कौन सी किताब में बताइए, कौन सी किताब में उन्होंने कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का सिद्धांत दिया है, ये आप लोगों को बताना है। और जितने स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक करो, और जितने स्टूडेंट्स ने शेयर नहीं किया है सेशन को शेयर करो। इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। ठीक है, संस्कृति थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज जूलियन स्टीवर्ड की बुक है, जिसमें उन्होंने ये कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट
दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है लेकिन बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और फिर से पूछ सकता है। मैं यहां पर यूजीसी नेट 2022 लिख रहा हूं क्योंकि पूछ सकने की संभावना है। अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन विच डेट, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को, बता दीजिए। सबको पता है, और आज क्या है, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो वो भी बता दीजिएगा कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अर्थ डे जो है 22nd अप्रैल को मनाया जाता है। कब स्टार्ट किया गया था, 1970 को स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा 1970, याद रख लो अच्छी तरह से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हां, मैंने क्या पूछा था कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आज ही सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। ठीक है, द रिपोर्ट नेम्ड अवर कॉमन फ्यूचर, देखिए ये जो सवाल है ये डायरेक्ट पिछली बार पूछा है। ठीक, ये पूछा था कि अवर कॉमन रिपोर्ट जो है कौन से, अवर कॉमन फ्यूचर जो है वो कौन सी रिपोर्ट में आई थी। ठीक, तो अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत किया गया था और इसे हम ब्रंडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जिसने किस टर्म को डिफाइन किया है और क्वाइन किया है, बताइए। अवर कॉमन फ्यूचर नाम रिपोर्ट, नामक रिपोर्ट जो है वो ब्रंडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। ये एक दस्तावेज है और इसे इस शब्द के अर्थ को गढ़ा और परिभाषित किया गया, किस शब्द के अर्थ को गढ़ा गया है इस रिपोर्ट में और परिभाषित किया गया, बताइए। तो सही है आप सब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था और वर्ड को क्वाइन किया गया था अवर कॉमन फ्यूचर, जो टाइटल था रिपोर्ट का, ठीक है, उसमें इसे हम ब्रंडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं एजेंडा 21 किससे संबंधित है, जल्दी बताया करो, जब भी मैं पूछता हूं। एजेंडा 21 संबंधित है अर्थ समिट से। कब हुआ था अर्थ समिट, 1992 में रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहां पे है भैया, ब्राजील। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, और उन्हीं की किताब है मैन इन हिज एनवायरमेंट, बताइए। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी पुस्तक मैन इन हिज एनवायरमेंट में पर्यावरण समाजशास्त्र शब्द का उपयोग सबसे पहली बार करने का श्रेय जाता है। बताओ, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी शब्द किसने दिया है, जिस किताब में दिया है, वो भी किताब मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, तो इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। मैन इन हिज एनवायरमेंट भी उसी की किताब है, तो किसकी है, सैमुअल क्लाउजनर, ऑप्शन डी। और आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए आप लोगों से बन नहीं रहे हैं क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी हमारे पूरा यूनिट है, हमारे को एक यूनिट 7 जो है वो एनवायरमेंट एंड सोसाइटी है, तो ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन इन हिज एनवायरमेंट किसकी किताब है, ठीक है, और एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी शब्द जो है वो किसने गढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सैमुअल क्लाउजनर, याद रखिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक एनवायरमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी इज रिटन बाय, पर्यावरण ऊर्जा और समाज, इसे आप ट्रांसलेट मत कीजिएगा, आप एनवायरमेंट एनर्जी और सोसाइटी ही रखिएगा। एनवायरमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी बुक, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए।
ये सारी बुक मैंने आपको कराई है, सारी, एक भी किताब ऐसी नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो, ना लिखाई हो, ना याद कराई हो। ठीक, तो इसके सही, इसका सही आंसर है क्राइग हम्फ्री एंड बटेल, फ्रेडरिक एच बटेल, क्राइग हम्फ्री और बटेल, बटेल और हम्फ्री ने मिलकर के ये किताब लिखी थी, एनवायरमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू UNFCCC सेक्रेटरिएट द ओवरवेमिंग डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, अभी मैंने हाल में ही दो बार आप लोगों को ये बात बताई है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सचिवालय के अनुसार वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है हमारे हिंदुस्तान, मतलब हमारे विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा कारण क्यों, जिसके कारण वन काटे जा रहे हैं, क्या बताते हैं UNFCCC वाले, बताओ। तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन यह बिल्कुल सही बात है कि दुनिया में ज्यादातर वन काटे गए हैं, जंगलों को काट करके वहां पे कृषि योग्य भूमि बना दी गई। ठीक है, तो जितने भी लोग सी कर रहे हैं वो गलत हैं, समझ लीजिए, एग्रीकल्चर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है डिफॉरेस्टेशन के लिए यार। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज होता है, बात समझो, एग्रीकल्चर से हुआ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से हुआ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है। पेड़ क्यों काटे गए सबसे ज्यादा, वनों की कटाई क्यों हुई है, कृषि के लिए हुई है, बात समझ में आ गई। ठीक, कृषि करनी थी इसीलिए हमने वन काट डाले, फर्नीचर बनाने थे घर में इसलिए हमने वन काट डाले। ठीक, फिर क्लाइमेट चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो गया। चलो, हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, बताओ पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा है, यह आप लोगों ने पहले ही बता दिया इसका आंसर है ना। तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और आप लोगों का सबका आंसर सही है, इंपॉर्टेंट सवाल यह हमेशा से बना रहा है। ठीक है, हु सेड सोशल इकोलॉजी एम्फसाइजेस दैट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ goes hand in hand with the destiny of non-human life or non-human world. किसने ये कहा है, किसका ये कथन है कि सामाजिक परिस्थितिकी इस बात पर जोर देती है कि मानव जीवन गैर मानव दुनिया की नियति के साथ साथ चलती है, यानी गैर मानव जीवन अगर जीवित रहेगा, ये पेड़ पौधे पशु चांद तारे आकाश धरती अगर रहेगी तभी इंसान जिएगा, नहीं तो इंसान भी खत्म, किसने कहा है ये। तो इसका सही आंसर है मरे बोक्शिन, मरे बोक्शिन, और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर मरे बोक्शिन। अगर आपने अभी तक मरे बोक्शिन की थ्योरीज नहीं पढ़ी है सोशल इकोलॉजी से रिलेटेड तो उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे मगर उसके पहले अपना प्रचार भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रचार क्या होता है, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, अगर नहीं ज्वाइन किया है ग्रुप तो देखो ज्वाइन कर लो। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपना लिखना होता है नाम, ये डैश नहीं लिखना है, नाम लिखना है, लिखना है BEP। अब आप लोग सोच रहे होंगे BEP क्या है, तो बायजूस एग्जाम प्रेप, ये लिखा हुआ है BEP। ठीक है, बायजूस एग्जाम प्रेप UGC और NET जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो। ठीक है, और भेज देना है, इस पर कॉल नहीं करना बेटा। ठीक है, 7838517884 ये नंबर है, इस पर आप ये लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा, लेकिन कॉल मत करना प्लीज। बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर सर्च कर लेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। चलो आ जाओ जल्दी से, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क थ्योरी, अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उद्यान सिद्धांत की स्थापना का सुझाव दिया था जनजातियों के लिए,
बताइए। अरे भाई प्रमोशन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है? आप लोग प्रमोशन कर नहीं रहे हैं, हमें खुद ही प्रमोशन के लिए दौड़ लगाना पड़ता है यहां वहां। बताइए फटाफट से, नेशनल पार्क थ्योरी किसने दिया था? वेरियर एल्वेन। याद रखना, इसी को आइसोलेशन थ्योरी कहा जाता है, आइसोलेशन। इन्होंने क्या कहा था, इन्हें इन्हें लाया गया था वेरियर एल्विन को कि भैया रिसर्च करो, मगर इन्होंने यहां पर क्या किया, शादी कर ली। और शादी किससे कर ली? बैगा जाति की लड़की से शादी कर ली, और यहीं रह गए। ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ये बताएंगे, कुछ समझाएंगे कि कैसे, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, हमसे जनजातीय नहीं संभल रहे। तो इन्होंने कहा कि फेंसिंग कर दो, इन्होंने कहा कि नेशनल पार्क बना दो, और आम जनता को आदिवासियों के साथ मिक्सअप नहीं होने दो, इन्होंने कहा। ठीक, उन्होंने कहा इनके कल्चर को बचाए रखना जरूरी है, इनका कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और इनको कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा। ये आदिवासियों जनजातियों को मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी में रहते हैं उनसे मिलने के लिए नहीं देना चाहते थे। ये कहते थे कि यार जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो अलग है, जनजाति अलग है, दोनों को अलग रखो ना, एक करने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन फिर घुरिया आते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? इनको विकास कैसे होगा फिर, इनका विकास, तो इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मिलाया जाए। फिर घुरिया आए, घुरिया बोलने लगे कि अरे भैया आप आए हो बाहर से, हमें ना सिखाओ। घुरिया ने कहा सदियों से जनजाति और गांव वालों के बीच में संबंध रहे हैं, और क्या है कि सब हिंदू हैं, बस ये पिछड़े रह गए हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम में मिला लेते हैं, इन्हें भी हिंदू बना लेते हैं। असिमिलेशन का सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है, आइसोलेशन और नेशनल पार्क थ्योरी का सिद्धांत वेरियर एल्विन, असिमिलेशन अकोमोडेशन का सिद्धांत घुरिए, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट का सिद्धांत नेहरू जी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व या व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। चलो, आपका समय शुरू हो चुका है, अच्छा वाला। कौन संबंधित नहीं है? तो किंकरी देवी जो है वो संबंधित नहीं है, किंकरी देवी चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, किंकरी देवी है, ठीक है। अमृता बाई जो है वो संबंधित हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी संबंधित हैं, और गौरा देवी तो संबंधित है ही, लेकिन किंकरी देवी जो है वो संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडस्ट्री में क्या हुआ है? आधुनिक औद्योगिकृत समाजों में उद्योगों में महिलाओं की प्रस्थिति में क्या हुआ है, बताइए। ये पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर देंगे सब। तो इसका सही आंसर है हैज ग्रेजुअली राइजेन, क्रमशः ऊपर उठी है परिस्थिति, ठीक है, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज ऑफ द व्यू दैट इंसेस्ट टैबू एनेबल्स रिलेशनशिप विथ वाइडर सोसाइटी? मैं देख रहा था किसी ने ग्रुप में ये आज ही पूछा है, आज ही ये सवाल पूछा था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। किसका विचार है कि आगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? आज ही किसी ने ये चीज पूछा था, ठीक है, जितने लोग ग्रुप में होंगे तो उन्होंने देखा होगा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्लाउड लेवी स्ट्रॉस है, आप सबको पता था। अच्छा यार मेरे को एक बात बताओ कि जो किंकरी देवी हैं, ठीक पिछले क्वेश्चन में जाते हैं अपन किंकरी देवी वाले, ये किससे एसोसिएटेड है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ किससे एसोसिएटेड है। ये एसोसिएटेड है इलीगल माइनिंग से, ठीक है, गैर कानूनी खनन से एसोसिएटेड है। इन्होंने जो गैर कानूनी खनन हो रहे थे उनके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ी थी और जंगल को बचाने का काम किया था, क्योंकि खनन करने से भी जंगल जो है वो काटे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। आ जाते हैं अब अपन ये 16 17। मेलिनोस्की फंक्शनलिज्म इज ऑफन टर्म्ड एज, मेलिनोस्की का प्रकारवाद बहुधा रूप किस रूप में परिभाषित किया जाता है बताइए, कई बार पूछा हुआ सवाल है, बी मेलिनोस्की के फंक्शनलिज्म को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये है व्यक्तिवाद प्रकारवाद से संबंधित है, इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म से संबंधित है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, याद रखना जिसको याद नहीं था, बाकी सबको याद था। अरे कंप्यूटर जी 18th क्वेश्चन है, हर्म्यूनिटिक प्रोजेक्ट इन डिबेट इज रिलेटेड टू रियलिज्म एंड व्हाट, वाद विवाद में भाषा विज्ञान परियोजना यथार्थ और अन्य किससे संबंधित है बताइए, बताइए। हर्म्यूनिटिक प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया गया है दो भाग में, एक है रियलिज्म, दूसरा क्या है, तो इसका सही आंसर है एंटी रियलिज्म, रियलिज्म एंड एंटी रियलिज्म। तो भैया याद कर लो, सवाल दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि हर्म्यूनिटिक्स के दो डिविजन्स हैं कौन कौन से हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना एंटी और रियलिज्म, एंटी रियलिज्म और रियलिज्म दो है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, कंप्यूटर जी वापस मत जाइए, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग डज सी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्ट्रेटा इन अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी एज वन ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, सहयोग और अंतर निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज को विभिन्न स्तरों के बीच संबंध के रूप में देखता है, यानी कार्यात्मकता के रूप में देख रहा है, ठीक है, कौन है वो जो ये कहता है कि सहयोग और अंतर संबंध अंतर निर्भरता प्रमोट करता है, कौन सा पर्सपेक्टिव ये कहता है। तो आप लोग सही हैं, फंक्शनलिस्ट कहते हैं, सब लोग सही हैं, वेरी गुड, आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी हो गई है, ठीक, प्रकारवादी, और सब लोग स्कोर लास्ट में बताएंगे कितना स्कोर हो रहा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विथ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से कौन सा संबंधित है बताइए, नकारात्मक रूप से, आसान सवाल है, नकारात्मक रूप से कौन सा संबंधित है भैया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिकता, रिलीजियोसिटी, ठीक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जो है 2022 में ये पूछा जाएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजी, स्वच्छ, स्वच्छ, देखो मैंने अभी रटाया था आप लोगों को, स्वच्छ जल, स्वच्छ
स्वच्छता एसडीजी के निम्नलिखित में से किस लक्ष्य में शामिल है? कभी नहीं भूलेंगे मेरे स्टूडेंट, स्वच्छ है, स्वच्छ है। ठीक है, स्वच्छ है, स्वच्छ है, मतलब मैं क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि छह छह छह, ठीक है, छह, स्वच्छ है, स्वच्छ है, क्लीन है, क्लीन है, ठीक है, क्लीन एंड सैनिटेशन, समझ गए? तो छह कभी नहीं भूल सकते आप, ठीक। चलो बाकी के गोल भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू होम, देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं इसको भी मैं बोलता हूं कि 2022 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2022, क्या कंप्यूटर जी यार, 2022, ठीक। तो डिजास्टर कैपिटलिज्म, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था डिजास्टर कैपिटलिज्म, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपदा पूंजीवाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हुम डिजास्टर ऑफ वेरियस काइंड हैव बीन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म वेयर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट एज न्यू लिबरल प्रोजेक्ट ऑफ फॉर प्रॉफिट। किसके अनुसार विभिन्न प्रकार के आपदाओं को आपदा पूंजीवाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां समुदायों और पर्यावरण के लाभ के लिए नव उदारवादी परियोजनाओं के रूप में पुनर्निर्माण के लिए भयावह घटनाओं का उपयोग भी किया जाता है। यानी जो ये थिंकर हैं, इन्होंने केस स्टडी की और इन्होंने देखा कि यार जहां पे डिजास्टर आ जाता है, जो ये कैपिटलिस्ट हैं, ये जो पूंजीवादी लोग हैं, ठीक, ये जो पूंजीवादी लोग हैं, ये डिजास्टर का भी फायदा उठाने से नहीं बचते हैं, ये क्या करते हैं, डिजास्टर का भी इंतजार करते हैं। अरे वाह, डिजास्टर आ गया, अरे अब तो घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे और हम पैसा कमाएंगे। जैसे कोरोना में, कोरोना में बहुत सारे पूंजीपति ऐसे थे जिनको कि गरीब लोग तो भूखे मारे, लेकिन उनके पैसे जो है वो हजार गुना डबल हो गए, मतलब डबल कैसे, हजार गुना हो गए, ठीक है। तो वही डिजास्टर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, और किस किताब में इन्होंने दिया है, वो है शॉक डॉक्ट्रिन, और इस पर ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है, ठीक। किसने दिया है ये आपको बताना था, मैंने राम कहानी पूरी बता दी आपको, नाओमी क्लीन, ठीक है, नाओमी क्लीन ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, नाओमी क्लीन, शॉक डॉक्ट्रिन इनकी किताब का नाम है, नाओमी क्लीन, ठीक, याद रखना डिजास्टर कैपिटलिज्म से एसोसिएटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेटा गार्ड एंड लॉरी ग्रुएन, नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, इनका एक ऐसे है एंटाइटल्ड इको फेमिनिज्म टूवर्ड्स ग्लोबल जस्टिस एंड प्लेनेटरी हेल्थ। तो इसको याद रख लो सबसे पहली बात कि इको फेमिनिज्म टाइटल का ऐसे सबसे पहली बार किसने लिखा है, ग्रेटा गार्ड और लॉरी ग्रुएन ने लिखा है, ठीक। तो इनकी किताब का नाम क्या है, यही है इकोनॉमी इको फेमिनिज्म टूवर्ड्स ग्लोबल जस्टिस एंड प्लेनेटरी हेल्थ आउटलाइंड इको फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क, इन्होंने इको फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क दिया है, ठीक। ग्रेटा गार्ड लॉरी ग्रुएन ने इको फेमिनिज्म टूवर्ड्स ग्लोबल जस्टिस एंड प्लेनेटरी हेल्थ नामक निबंध में इको फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क को रेखांकित किया है। उसे इन्होंने क्या उसे और क्या कहा जाता है ये बताइए, कौन सा मॉडल कहा जाता है उसे बताइए फटाफट से, तो उसमें इन्होंने सोशलिज्म एक्सप्लेन किया है, ठीक। हाँ, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, उसमें इन्होंने सोशलिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया है, सॉरी, ये क्वेश्चन है कि नॉट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में नहीं है, ये वाला ये सवाल था, इस सवाल को सही किया जाएगा बाद में, ठीक है। तो मैकेनिस्टिक मटेरियलिस्टिक मॉडल उन्होंने डिस्कस किया है, पैट्रियार्कल सिस्टम उन्होंने डिस्कस किया है, इनहेरेंट पावर एंड डोमिनेशन एथिक्स उन्होंने डिस्कस किया है, याद रख लीजिएगा, यांत्रिकी भौतिक वादी मॉडल उन्होंने डिस्कस किया है, पितृसत्तात्मक धर्मों को उन्होंने डिस्कस किया है उसमें, और निहित शक्ति और वर्चस्व नैतिकता को उन्होंने डिस्कस किया है। इको फेमिनिज्म में इन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना है इन तीनों चीजों को,
जिससे कि विमेन की जो कंडीशन है वो डाउन हुई है, लेकिन उन्होंने सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कैपिटलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहां पे नॉट आना था, नहीं, ठीक। तो याद रख लीजिएगा इस सवाल को, ऑप्शन डी जो है अब उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आसान सवाल है, कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, ग्रामीण नगरीय सीमांत की अवधारणा किसने दी है बताइए, बहुत आसान सवाल है। अच्छा राफिया अपन चेक कर लेंगे, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से शायद सिर्फ एक ही है, ठीक है राफिया चेक कर लेंगे उसको। तो टीएल स्मिथ ने ये रूरल अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, रूरल अर्बन सीमांत का सिद्धांत टीएल स्मिथ ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, हु ऑन द बेसिस ऑफ एम्पायरिकल डेटा फ्रॉम महाराष्ट्र एंड पंजाब, देखिए मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया है, Who has stated ethnicized politics is communalism and not fundamentalism? निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र और पंजाब के अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर यह कहा है कि नृजाति राजनीति सांप्रदायिक है ना कि कट्टरवाद है, ठीक है। हमारे यहां फंडामेंटलिज्म नहीं होता है, ये कहते हैं कम्युनलिज्म होता है हमारे यहां। कौन है वो, उन्होंने महाराष्ट्र और पंजाब की स्टडी की, तो इसका सही आंसर है दीपांकर गुप्ता, दीपांकर गुप्ता साहब ने स्टडी की थी और उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया था। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्यूटर, हु सेड फ्रीडम इन वन एरिया विल फॉस्टर फ्रीडम इन अदर एरिया एज वेल, एक क्षेत्र में आप स्वतंत्रता दे दीजिए दूसरे क्षेत्र में भी स्वतंत्रता अपने आप आ जाती है, ये किसने कहा था बताइए, ये बात किसने कही है कि फ्रीडम इन वन एरिया विल फॉस्टर फ्रीडम इन अदर एरिया एज वेल, एक क्षेत्र में अगर आप स्वतंत्र कर देते हो लोगों को तो दूसरे क्षेत्र में अपने आप स्वतंत्रता आ जाती है। तो हमारे अमर्त्य सेन साहब हैं, इन्होंने इनइक्वालिटी पे बहुत सारी बातें कही हैं, इक्वालिटी पे बहुत सारी बातें कही हैं, फ्रीडम पे बहुत सारी बातें कही हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी और फ्रीडम पे इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, अमर्त्य सेन जो हैं इसके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया, और उन्होंने बहुत सारे चार तरह के सोशल मूवमेंट्स डिस्कस किए थे, वो चारों सोशल मूवमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए विथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बता दीजिए फटाफट से, आसान है सवाल, जो इन्होंने डिस्कस किए हैं वो मूवमेंट्स के नाम भी आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इसका सही आंसर है M.S.A. राव, और चार्ल्स टिली ने भी डिस्कस किया है, वो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं सारे मूवमेंट्स, ठीक है, M.S.A. राव ने भी डिस्कस किया है, चलो, लेकिन बुक जो है M.S.A. राव ने लिखी है। Who among the following has mentioned two type of pressure group? ये तो आप लोगों को सबको बन जाएगा, promotional and protective pressure group. निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार के दबाव समूहों का उल्लेख किया है, प्रचारात्मक और सुरक्षात्मक दबाव समूह, बता दो, आप सबको पता है इसका आंसर, मेरे को मालूम है। तो इसका सही आंसर है मॉरिस डॉवर्जर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 28 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 का आंसर कहां से दे रही हैं राफिया आप, मेरे को लग रहा है 28 को आपने 29 लिख दिया है ना, चलिए 29 पे भी आ जाते हैं, उसमें क्या है, द आइसोलेशनिस्ट अप्रोच एडवोकेटेड दैट ट्राइब शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन एंड एफर्ट्स मेड टू रिस्ट्रिक्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ ट्राइब एंड द आउटसाइडर इज सपोर्टेड बाय अलगाववादी दृष्टिकोण, आदिवासियों की जनसंख्या की मुख्य धारा से
तथा आदिवासियों और बाहरी लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित करने के प्रयासों से अलग किया जाना चाहिए किसके द्वारा समर्थित है? देखिए जरा कौन गलत आंसर देता है इसका। उसको ऐसे यहां पर बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद उसके ऐसे मुट्ठी ऐसे बांधी जाएगी और यहां पे स्केल मारा जाएगा। समझे? जो गलत आंसर देगा इसका, ये आरती तुमको क्या हो गया है बेटा? अभी पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में होंगे। ठीक, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दे दिया। अरे भाई साहब, वेरियर एल्विन अभी बताया, बैगा जाति की लड़की से शादी कर ली थी इन्होंने। ठीक है, वेरियर एल्विन। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हमारे सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, हैज एक्सटेंडेड द लाइन ऑफ कोपेरेंसी इंटरेस्ट टू फीमेल ऑल्सो ऑफ द डिसीज्ड कोपेरेंसर और मेल रिलेटिव्स क्लेमिंग थ्रू सच फीमेल रिलेटिव्स केम इनटू व्हिच ईयर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस साल आया था जिसमें महिला रिश्तेदारों को भी हम वारिस ठहराया है? बताइए, सिंपल। और स्टूडेंट्स जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज एक बार लाइक करो यार, एक बार लाइक करो और शेयर आप अपने मन से कितने बार भी कर दो, ठोको लाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956 में आया था। ठीक है, ऑप्शन सी, सक्सेशन, सिक्सेशन, ऐसे याद रखो, सिक्सेशन, हिंदू सिक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31, इंडिया इंपोज्ड अ सेस, ये भी सबको पता होगा, जिसे हम क्लीन एनर्जी सेस के नाम से जानते हैं। इंडिया इंपोजेस सेस, जानते थे, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? इंडिया इंपोज्ड अ सेस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड इंपोर्टेड कोल विच अर्लियर नोन एज क्लीन एनर्जी सेस, नाउ इट इज रीनेम्ड एज, भारत ने घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित कोयले पर एक उपकर लगाया है जिसे पहले स्वच्छ ऊर्जा उपकर के रूप में जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। अच्छा वाला, दो बार लाइक क्यों करोगे सोनू? दो बार लाइक करोगे तो वो डिसलाइक हो जाता है, फिर तीसरी बार लाइक करो फिर। ठीक, ऑप्शन ए, इसे जीएसटी कंपनसेशन सेस कहा जाने लगा है, अब जीएसटी मुआवजा कर कहा जाने लगा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ कंप्यूटर जी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इफ यू आर लिविंग ऑन 1.90 डॉलर अ डे और लेस, यू आर लिविंग इन विच काइंड ऑफ पॉवर्टी? विश्व बैंक के अनुसार यदि आप 1.90 प्रतिदिन या उससे कम पर जी रहे हैं तो आप किस तरह की गरीबी में जी रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, तो सही आंसर है कि आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, अत्यधिक गरीबी। अगर आपके पास पर प्रतिदिन 1.90 डॉलर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप अत्यधिक गरीब हैं। ठीक है, और 1.90 डॉलर कितना होता है? लगभग 100 रुपया तो हो ही जाता है। ठीक, 100 रुपए से ऊपर हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, वॉट इज द मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक? देखिए दोनों दे दिया मैंने आप लोगों को। एशियाई विकास बैंक के अनुसार गरीबी रेखा का माप क्या है? पहला वाला वर्ल्ड बैंक के अनुसार था, अब हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पे है बताओ जरा, साथ में ये भी बता देना। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है, इन्होंने कहा कि भैया यार 1.51 पर पर्सन पर डे, डॉलर मतलब डॉलर, ठीक है, 1.51 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो कमाता है वो गरीब कहलाता है, अदरवाइज सब लोग रईस है हमारे यहाँ, ये कहते हैं। इन्होंने 1.91 नहीं, 1.90 नहीं, 1.51 कहा है, ठीक है, याद रखना। और इस ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहां पे है बताओ ना यार, क्या करते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, क्या राजलक्ष्मी तुम भी ना, तुम्हें भी ऐसे बुलाना पड़ेगा लगता है यहां पे ऐसे करके, और ऐसे स्केल मारना पड़ेगा। अरे वीर प्रताप तुम भी क्या यार, भैया कहां पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक, पढ़ाया है मैंने। हाँ निधि, और क्लोज आओ थोड़ा, मनीला, फिलीपीन की राजधानी है मनीला। क्या हो गया है तुम लोगों को यार, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। चलो, द प्रोसेस बाय विच टेक्नोलॉजी लोअर्स द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग शेयरिंग एनालाइजिंग डेटा इज नोन एज, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रौद्योगिकी डेटा के भंडारण, साझाकरण और विश्लेषण की लागत को कम करती है, क्या कहलाती है बताइए। अब यहां पे एक स्केल रखना पड़ेगा, ठीक है, और जितने लोग गलत करेंगे ना, ऐसे आंसर जो मैं चाहता हूं कि गलत ना करें, उनको फिर ऐसे करके मुट्ठी बंधवा के फिर ऐसे ऐसे मारा जाएगा, या ऐसे रख के और उंगलियों में पीटा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डिजिटाइजेशन, ठीक, डिजिटलकरण, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हेल्ड दैट द स्टेट इज प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इरिकंसीलिएबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने यह माना है कि राज्य वर्ग विरोधों और असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है। देखिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लास एंटागोनिज्म आसान है, बताओ। क्लास एंटागोनिज्म, तो इसका सही आंसर है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टेरियन है, संघर्षवादी है, तो इसीलिए ये क्लास एंटागोनिज्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, कंप्यूटर जी कहां जा रहे हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दलित मूवमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दलित आंदोलन से संबंधित, बताइए दलित आंदोलन किसके लिए किए गए थे, बताओ। कौन से स्टेटमेंट दलितों से संबंधित हैं, दलित आंदोलन से संबंधित हैं, होगा आरती होगा, मैं बोल दूंगा बहुत जल्दी होगा, ठीक। दलित आंदोलन जो है वो टू रेज सोशल अवेयरनेस अमंग दलित, दलितों के बीच अधिक, दलितों के बीच उनके अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए थे, और दलितों के लिए विशेष अधिकार के लिए आंदोलन किए गए थे, लेकिन रिवॉल्यूशन के लिए नहीं किया जाता है कभी भी, क्रांति लाने के लिए नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ कंप्यूटर, ए कंप्यूटर पीछे नहीं जाना है। कंप्यूटर जी 37, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं, बताओ तो जरा जल्दी से, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अरे वीर ऐसा कुछ नहीं है, आप तो वीर हो, वीर लोगों को क्या टफ लगता है यार, योगेश अटल, ठीक है, योगेश अटल,
इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 38, इन डिटरमाइनिंग द डोमिनेंट कास्ट, देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आप लोगों को, एम एन श्रीनिवास हैज नॉट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एम एन श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति के निर्धारण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है, नहीं किया है बताओ, किसे सम्मिलित नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 38, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया है और मैंने बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को और याद कराया भी था, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डोमिनेशन उन्होंने नहीं दिया कभी भी, ठीक। भाषा के आधार पे हमारे देश को चार भाग में विभाजित किया है किसने, ईरावती कार्वे ने, लेकिन वो कहते हैं जो प्रभुत्व जाति होती है उसका रिचुअल स्टेटस हाई होना चाहिए, उसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा प्रभुत्व जाति। लेकिन बच्चों इसका आंसर तो ये है, क्योंकि यहां पे ये नहीं इन्होंने डिस्कस किया है, ये तीनों इन्होंने डिस्कस किया है, याद कर लो, आर ई एन रेन, एम एन श्रीनिवास। देखो यार, जब अपन श्रीनिवास लिखते हैं ना अंग्रेजी में, थोड़ा सा बस ऐसे कर लेना कि आई फॉर ई कर लेना, आर है रिचुअल स्टेटस, एन है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ठीक, और आई मतलब समझ लो यार इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा बहुत, श्रीनिवास ठीक, आर्थिक, ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, ठीक, एग्जाम पास है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो, फ्री क्लास मिल रही है आप लोगों को, और क्या चाहिए बताइए, पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं सोशियोलॉजी का, ठीक है, फ्री क्लास में। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप जब तक ज्वाइन नहीं करोगे तो उसका लिंक नहीं मिलेगा, और लिंक नहीं मिलेगा तो फ्री क्लास से वंचित रह जाओगे, दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो बैठ करके कि अरे यार कौन सा क्लास ज्वाइन करना चाहिए सोशियोलॉजी के लिए, ठीक, तो फिर ये आपका मतलब यहां पे आप आ गए हो, बस आप समझ लो कि आपके इससे आसान सोशियोलॉजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आपको उसके लिए कॉल करना होगा 9241333666 पर, ठीक है। चलो 39 क्वेश्चन, कंप्यूटर जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग गिफ्ट बाय होस्ट टू ऑल द अटेंडेंट्स, जितने भी लोग जाते हैं ना, जैसे जेएनयू में जब शादी होती है तो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है जितने लोग आते हैं बारात में, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, पुटलाच सेरेमनी में, पुटलाच सेरेमनी की बात हो रही है, किस लिए दिया जाता है, बात सेम है, चाहे वो पुटलाच सेरेमनी में करो चाहे तुम कहीं भी करो, ये लोग इनवाइट करते हैं लोगों को और सब लोग गिफ्ट ले, सबको गिफ्ट देते हैं, मतलब वो लोग गिफ्ट लेके नहीं आते, ये लोग उनको गिफ्ट देते हैं। पुटलाच समारोह के अंत में सभी उपस्थितियों को मेजबान के द्वारा उपहार देने का क्या उद्देश्य होता है बताओ, काय के लिए करते हैं, क्यों, क्या क्यों, ठीक, थैला भर भर के गिफ्ट देते हैं वो लोग, ठीक है, टू अचीव हाई स्टेटस, उच्च परिस्थिति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समझ गए, उच्च स्थिति प्राप्त करना, उच्च परिस्थिति, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए यार, स्टेटस समाज में। अब जैसे मान लो सरपंच का चुनाव लड़ना है, ठीक, और आप लोगों के यहां कितने लोगों के यहां ऐसी शादी होती है जिसमें कि गिफ्ट दिया जाता है, अरे रिटर्न गिफ्ट नहीं है आरती, ये रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये तो क्या है कि ये रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ठीक, ये तो आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, ठीक है, मनोरंजन करते हैं आपका, फिर उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपको सबको गिफ्ट दिया जाता है, लो ऐसे करके, ठीक है। चलो 40, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब जो गिफ्ट देता है उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाती, मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इनकरेक्ट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल अगर आप लोगों को याद नहीं है ना
तो ये सारे इकोनॉमिक मॉडल मैंने कराए हैं क्लास में, 12 इकोनॉमिक मॉडल मैंने आप लोगों को कराए हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोगों को टॉपिक है, ठीक है। तो ये मॉडल्स हैं सारे के सारे। अब आप बताइए कि कौन सा मिलान इसमें से गलत दिया है। नहीं, जो गलत है उसको छोड़ करके बाकी सब याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, आरती के घर दिए जाते हैं, ओके। सपना के घर भी दिए जाते हैं, ओके। कृष्णा के घर भी दिए जाते हैं, ओके। चलो, अच्छी बात है, ग्रेट। तो आप लोगों का स्टेटस बढ़ जाता होगा समाज में, ठीक। तो ऑप्शन डी देखिए, मैंने इसको बहुत आसान बनाया है। कॉबलस डगलस मॉडल रियल में संबंधित है प्रोडक्शन से, यानी उत्पादन से संबंधित है। सोलो स्वान मॉडल, तो ये स्वान ही कर लो यार, स्वान मॉडल जो है आर्थिक विकास से संबंधित है, ठीक। ल्यूकॉस आइलैंड मॉडल जो है वो मनी सप्लाई से संबंधित है, ल्यूकॉस आइलैंड मॉडल जो है वो मुद्रा पूर्ति से संबंधित है। डिपेंडेंसी थ्योरी में सेमी पेरिफेरी नहीं दिया है, ठीक, पेरिफेरी दिया है, तो ये गलत है। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी में जो है कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी आता है, ठीक, समझ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 का, कंप्यूटर जी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी प्रपोजेस दैट सोशल बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस। द पर्पस ऑफ दिस एक्सचेंज इज टू मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय विच सोशियोलॉजिस्ट। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सामाजिक व्यवहार एक विनिमय प्रक्रिया का परिणाम है। इस एक्सचेंज का उद्देश्य लाभ को अधिक करना और लागत को कम करना शामिल है। यह सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा विकसित किया गया है? आपका समय शुरू होता है, अब बताइए। पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये बताना है बच्चों। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज होमांस, ऑप्शन ए। इन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी को इस तरह से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जीसी होमांस। बहुत सारे लोगों का गलत हुआ ना। हाँ, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। समझे, सोशल एक्सचेंज थ्योरी को इन्होंने बोला कि मैक्सिमाइज बेनिफिट, ठीक। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी थोड़ी होती है ये जो जीसी ओमांस ने कहा है, काल पोलियानी ने नहीं कहा है ये। काल पोलियानी ने तीन तरह के एक्सचेंज सिस्टम बताए हैं। कौन से हैं वो तीन तरह के एक्सचेंज सिस्टम? रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोसिटी, और एक कौन सा है वो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। एन एसीफेलस सोसाइटी इज वन इन विच, एक अशिर समाज वह होता है जिसमें क्या होता है वो आपको बताना है। एसीफेलस सोसाइटी कौन सी होती है बताओ? एसीफेलस समाज कौन सा होता है? जिसमें कोई फॉर्मल हेड नहीं होता, जिसका कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, उसे एसीफेलस सोसाइटी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई मुखिया नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए कंप्यूटर जी, कहां जा रहे हैं। इट इज अ सैंपलिंग टेक्निक वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सैंपल इज चूजन रैंडमली। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली चूज किया गया एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर चोजन यूजिंग फिक्स्ड इंटरवल। दिस इंटरवल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय टारगेट सैंपल। यह प्रतिचयन एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रतिदर्श एक शुरुआती बिंदु को यादृच्छिक रूप से चुन लिया जाता है और अन्य सभी तत्वों को एक निश्चित अंतराल का उपयोग करके चुना जाता है। इस अंतराल की गणना जनसंख्या के आकार को लक्षित प्रतिदर्श के आकार से विभाजित करके की जाती है। बताइए कौन सा है ये? देखो, मैं यहां पे समझा भी दे रहा हूं।
जैसे मान लीजिए ये सैंपल है, ये मतलब पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि हमें कितना चाहिए, चार चार आइटम चाहिए, फोर। तो हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। पहले 12 को ऐसे फोर से डिवाइड कर लेंगे, इज इक्वल्स टू आया 3। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ये रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जो है वो अपनाएंगे। तो हम बोलेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। मतलब अपने हिसाब से रैंडमली हमने इसे चुन लिया। ठीक, पहला हमने चुन लिया रैंडमली। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हर तीसरे को चुन लेंगे, ये तीसरा है, 1 2 3। ऐसा तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 3 सैंपल नहीं हो जाते। ठीक, 3 बार इस प्रक्रिया को करना है, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, ये इस तरह से। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित प्रतिचयन, फिक्स्ड इंटरवल, हर तीसरे के बाद, ये फिक्स्ड इंटरवल कहलाता है। ठीक है, याद रखना अच्छी तरह से। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इन दिस सैंपलिंग एलिमेंट ऑफ सैंपल आर चोजन ओनली ड्यू टू वन प्राइम रीजन, देयर प्रॉक्सिमिटी टू द रिसर्चर। ठीक है, दीज सैंपल्स आर क्विक एंड इजी टू इंप्लीमेंट एज देयर इज नो अदर पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व। इस तरह के प्रतिचयन में प्रतिदर्श के तत्व को केवल एक प्रमुख कारण के लिए चुना जाता है, शोधकर्ता के साथ उसकी नजदीकी, निकटता, आसानी। इन प्रतिदर्श को लागू करना त्वरित और आसान होता है क्योंकि इसमें चयन का कोई और मानदंड नहीं होता। बताइए, फोर्टी फोर का आंसर दीजिए फटाफट से। तो ये बहुत सिंपल सैंपलिंग है, इसको अपन कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इंसान क्या करता है कि अरे यार, सुविधा के अनुसार जो नजदीक है उसको उठा ले यार, चल ले चल इसको। ठीक है, चलो। तो प्राइम रीजन है कि भाई रिसर्चर से के लिए आसान है, प्रॉक्सिमिटी है, कर लिया, ठीक है, हो गया। चलो 45, मतलब सामने वाली खिड़की में एक हसीन चेहरा रहता है, बस उसी से शादी कर ली। ज्यादा यहां वहां भटके अटके नहीं, सामने वाली खिड़की में एक हसीन सा चेहरा रहता था और उसको देखा आपने, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भैया कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार, कोई ज्यादा यहां वहां क्या जाना है यार। ठीक है, चलिए। तो इट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द फंडामेंटल फीचर ऑफ सच रिसर्च इज दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह कारण और प्रभाव संबंध को स्थापित करता है। इस तरह के अनुसंधान की मूलभूत विशेषता यह है कि स्वतंत्र चर पर नियंत्रण करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। बताइए कौन सा रिसर्च है ये? आसान है, पूरा तो स्टेटमेंट में समझा ही दिया मैंने। ठीक, चलिए। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं ये, कॉज एंड इफेक्ट, और इसमें क्या हम लोग स्वतंत्र चर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46। फील्ड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च। क्षेत्र सर्वेक्षण और तथ्य खोजने वाली पूछताछ किस अनुसंधान की मुख्य सामग्री है, बताइए। फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच, ये होता है डिस्क्रिप्टिव। इसमें हम क्या करते हैं, केवल फैक्ट फाइंड करते हैं, पूछते हैं और नोट करते हुए चले जाते हैं। ठीक, जैसे आप यथास्थिति आप बताते हैं, ठीक है, उसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, मतलब फैक्ट बता रहे हैं आप। ठीक, फील्ड सर्वे करते हैं और फैक्ट बताते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि माई रिमेम्बर्ड विलेज में एम एन श्रीनिवास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, हु सेड सोशल सर्वे इज फैक्ट फाइंडिंग स्टडी डीलिंग चीफली विद वर्किंग क्लास पॉवर्टी विद द नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। देखिए ये याद रखिएगा कि वर्किंग क्लास पॉवर्टी की भी स्टडी इन्होंने की है और फैक्टिंग फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच को अपनाया है। ठीक है, किसने कहा था कि सामाजिक सर्वेक्षण एक तथ्य निर्धारण अध्ययन है जो मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग की गरीबी और समुदाय की प्रकृति और समस्याओं से संबंधित है। बताइए सोशल सर्वे को, सामाजिक सर्वेक्षण को कौन इस तरह से डिफाइन करता है कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है जिसमें हम वर्किंग क्लास पॉवर्टी को पता करने का काम करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसके द्वारा कल्याणकारी योजना बनाई जाती है। तो वेल्स हैं ये, जब आप सोशल सर्वे करते हैं तो वेल मतलब क्या होता है, कल्याण, कल्याण। तो वर्किंग क्लास लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वेल्स याद कर लो। और जितने बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है 9241333666 पर कॉल कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, हु बिलीव्स दैट इन मेथडोलॉजी सोशल रिसर्च क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज नॉट अ डाइकोटोमी। कौन मानता है कि सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में गुणवत्ता और मात्रा एक द्विभाजन नहीं है बल्कि एक ही है, सात्यता है, अलग अलग नहीं है? कौन मानता है बताइए। क्वालिटी और क्वांटिटी इज नॉट अ डाइकोटॉमी कहा था रामकृष्ण मुखर्जी ने, याद रखना क्वालिटी और क्वांटिटी रिसर्च में नॉट अ डाइकोटॉमी। तो ये कहते हैं कि भैया ये डाइकोटॉमी अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज की गतिशीलता पुस्तक लिखी है, बताइए। ग्रामीण समाज की गतिशीलता के लेखक कौन है? तो इसके भी आंसर जो है वो रामकृष्ण मुखर्जी ही हैं, इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, 49 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी सवाल, अरे रिपीट हो गया है आखिरी सवाल, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, बताइए। रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो तो इसका सही आंसर है टी एल स्मिथ। ठीक, चलो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये बताओ जरा जल्दी से, और स्कोर कितना आया आप लोगों का, कितना कौन लेके आया है? और कट ऑफ वाला वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो भैया। कृष्णा, हमारे एक टीचर थे जिनको नींद आती थी ना तो वो आंखों के आसपास आयोडेक्स लगा लिया करते थे। ठीक है, मगर आप नहीं करना ऐसा, बहुत जलन होती है। ठीक, तो वो जागने के लिए वो ऐसा करते थे। निधि 43 आया है निधि का, अर्पिता का 39, नीलू 43, ममता 35, वीर 45, अनु 43, दीपमाला 45, रिया 35, कृष्णा 44, शिवाली 41, सपना 43, बिंदु 43, आकाश 44, 45 आरती, ठीक है 44 संध्या, सोनू के 18 सही है सिर्फ। सोनू बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत करो बेटा। जय 43, उजायर पूरा स्कोर बताना कमेंट जब क्लास हो जाए। ठीक, देवांशी 34, बेटा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। काजल 39, बहुत मेहनत करो काजल।
ठीक 44 किरण, 40 मोना, 40 सोना, 44 समता। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स के 40 से कम आ रहे हैं ना, उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, खूब सारी मेहनत करो, कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा स्कोर। चलो ऑल द बेस्ट। 50 में से 18 सोनू। सोनू आप बहुत मेहनत करो बेटा, क्लास क्लास ज्वाइन करनी है तो कर लो। ठीक, सोच लो, समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, गिनती 46। ओके, चलो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से तैयारी करो, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।